हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम फंक्शन की, मिन और मैक्स फंक्शन के बारे में। इस फंक्शन के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, बट हमने पहले बिल्कुल बेसिक देखा था। हमने पहले क्या देखा था, मान लिया हमारे पास एक लिस्ट या टूपल है, फॉर एग्जाम्पल नंबर्स नाम की लिस्ट है मेरे पास, इसमें कुछ नंबर्स हैं 1, 2, 4, 5, 7। अगर मुझे नंबर्स का मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैक्स ऑफ नंबर्स। और अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये देखिए मेरे पास 7 आउटपुट आ रही है, ठीक है। बट अगर मुझे इसका मिनिमम कैलकुलेट करना है तो मैं मिनिमम लिख के इसको रन करूँगा, तो ये देखिए मेरे पास 1 आउटपुट आ रही है, ठीक है। बट आज हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये हम पहले देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे, एडवांस बात करेंगे कि हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ, आपके पास एक नेम्स नाम की लिस्ट है और इस लिस्ट में काफ़ी सारे नेम्स हैं, आपको ये कैलकुलेट करना है कि सबसे ज़्यादा लेंथ किस नेम की है, ठीक है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आज हम वही सीखेंगे। देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, सबसे ज़्यादा लेंथ किस नेम की है, ठीक है। तो मैं मैक्स फंक्शन तो मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। मैक्स फंक्शन के बाद आपको करना क्या है, किस में फाइंड करना है, आपको इस नेम्स में फाइंड करना है, तो नेम्स लिखिए यहाँ पे, ओके। बट इससे कुछ नहीं होगा, अगर मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा तो इससे मेरे पास जो आउटपुट आना चाहिए वो नहीं आएगा, ओके। ए बी आ रहा है, मैं नहीं चाहता ए बी आए, मैं चाहता हूँ कि अकॉर्डिंग टू लेंथ कैलकुलेट हो कि किसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है, वो मेरे पास आए मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो कैसे होगा वो देखिए। देखिए इसके लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करेंगे। देखिए मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ, फंक्शन का नाम रखता हूँ मैं, कुछ भी रख सकता हूँ मैं, फंक लिख देता हूँ इसका नाम, ओके। और ये फंक्शन मैं क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, अभी आपको बिल्कुल नॉनसेंस लगेगा, बिल्कुल यूजलेस लगेगा, बट मैं आपको जब करके दिखाऊंगा फिर आपको समझ आएगा। देखिए मुझे कैलकुलेट करना क्या है, इसमें सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम मुझे किस में फाइंड करना है, नेम्स में, और मैं यहाँ कोमा डाल के लिख सकता हूँ की इक्वल्स। ये की क्या है, यहाँ पे मैं इसको बता सकता हूँ कि मेरे को जो मैक्सिमम है किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन डाल फंक्शन लिखना होता है, की के बाद मेरे को फंक्शन, उस फंक्शन से डिसाइड होता है कि मैं जो लेंथ है या मैं मैक्सिमम किस वे में फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे जो मैं मैक्सिमम फाइंड करना चाहता हूँ वो लेंथ के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे एक फंक्शन लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फंक, फंक में पैरेंथेसिस मत लगाना, सिर्फ फंक लिखना है आपने जो आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो फंक को मुझे डिफाइन कैसे करना है, देखिए जब ये मैक्सिमम फंक्शन कॉल करेंगे हम, तो ये फंक फंक्शन से की हेल्प से मेरे पास कैलकुलेट करेगा मैक्सिमम, और फंक फंक्शन क्या बताएगा कि मुझे जो लेंथ के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, लिस्ट, ठीक है। तो हर एक लिस्ट में हर एक आइटम के लिए मुझे लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे इसको मैक्सिमम को फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे आइटम लिख देता हूँ कि ये फंक फंक्शन आइटम लेगा और मुझे रिटर्न करेगा लेंथ ऑफ आइटम। तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि लेंथ के अकॉर्डिंग मुझे फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम। चलिए अब इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि मेरे पास मैक्सिमम में हर्षित आता है या नहीं आता। तो ये देखिए मेरे पास हर्षित आ रहा है, बट अगर मैं यहां पे मिनिमम कर दूं तो मेरे पास आना चाहिए ए बी, तो ए बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, कोई बात नहीं, अभी हम और एग्जांपल देखेंगे फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए अब मेरे पास आना चाहिए जेड, देखिए जेड आ रहा है। अगर मैं हर्षित की यहां पे लेंथ को बढ़ा दूं तो मेरे पास आना चाहिए हर्षित वशिष्ठ, सॉरी यहां पे मैक्सिमम करूंगा तो ये आएगा हर्षित वशिष्ठ, तो ये देखिए हर्षित वशिष्ठ। तो आई होप आपको समझ आ चुका होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब आ जाएगा। देखिए इतना तो आपको समझ आ गया कि यहां पे आपको फंक्शन लिखना होता है। अब बात आती है इस फंक्शन को हम और कहीं यूज़ नहीं कर रहे, तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन को यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा अपने लैम्डा फंक्शन को, जिनको हम लैम्डा एक्सप्रेशन बोलते हैं या फिर एनोनमस फंक्शन बोलते हैं या फिर फंक्शन विदाउट नेम बोलते हैं जिनको। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन जो कि क्या लेगा, इस लिस्ट की आइटम को, और रिटर्न क्या करेगा, लेंथ ऑफ आइटम। तो ऐसे करने से आपका काम हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। वो फंक्शन अगर हमने स्पेशल इसके लिए डिफाइन करेंगे तो वो कोई सेंस नहीं बन रही थी, और उस फंक्शन को हमने कभी यूज़ भी नहीं करना, तो ये बिल्कुल सही काम करेगा, ओके। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। देखिए अब मेरे पास दो डिक्शनरीज हैं, ठीक है, एक डिक्शनरी एक लिस्ट है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इस डिक्शनरी की बात करता हूँ, मैं इस लिस्ट की बात करता हूँ नीचे वाली। इस लिस्ट में क्या है, ये देखिए लिस्ट है, स्क्वेयर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है मैंने, यहाँ पे मैंने स्क्वेयर ब्रैकेट्स कुछ इस तरह से लिखे हैं, ऐसे कुछ ऐसे, एस इक्वल्स टू
स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा के मैंने एंटर किया है, और उसके बाद लिस्ट के अंदर मेरे पास काफ़ी सारी डिक्शनरीज हैं, ये कुछ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है। ओके, तो आप किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस टाइप का। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको मैक्सिमम फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्कोर, कि जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया होगा। यहाँ पे पहले मैं इनका स्कोर चेंज कर लेता हूँ और एज भी चेंज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको मैक्सिमम फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू स्कोर, कि जिसका स्कोर सबसे मैक्सिमम है वो फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे? देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम कहाँ, किसका मैक्सिमम, स्टूडेंट्स में से मैक्सिमम फाइंड करना है आपको। उसके बाद किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है आपको, यहाँ पे की इक्वल्स, यहाँ पे फंक्शन लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या लेगा, जब भी लैम्डा, इस लिस्ट में क्या है, काफ़ी सारी डिक्शनरीज, मैं डिक्शनरीज को क्या बोल सकता हूँ, मैं आइटम बोलता हूँ अभी फिलहाल के लिए, आइटम। वो आइटम क्या है, मेरी डिक्शनरी, और मुझे किसके अकॉर्डिंग फाइंड करना है, स्कोर के अकॉर्डिंग। तो आइटम या डॉट गेट यूज़ कर सकता हूँ, डॉट गेट यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ स्कोर, या फिर मैं ऐसा करके देखते हैं पहले, और इसको मैं प्रिंट करा के देखता हूँ। अगर आपका डिक्शनरीज क्लियर नहीं है तो डिक्शनरीज वाली वीडियोस देखिए जाके। तो यहाँ पे मेरा स्कोर सबसे ज़्यादा था तो मुझे मिल रहा है, बट अगर मैं सिर्फ और सिर्फ चाहता हूँ कि नेम प्रिंट हो, कि जिसका स्कोर सबसे ज़्यादा है उसका नेम प्रिंट हो, तो देखिए यहाँ तक मेरी, ये मुझे क्या मिल रहा है, मुझे डिक्शनरी मिल रहा है मैक्सिमम फंक्शन को यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ मैक्सिमम फंक्शन के बाद डिक्शनरी मिल रही है, तो अगर मैं, देखिए मुझे डिक्शनरी की कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, फॉर एग्जांपल मुझे प्रिंट करवाना है इस डिक्शनरी में से नेम, तो मैं क्या करूँगा, या तो डॉट गेट यूज़ कर सकता हूँ, या मैं सिंपली ऐसे स्क्वेयर ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या प्रिंट कराना है, नेम। तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं डिक्शनरी की, आई होप आपको ये क्लियर होंगी। तो ये देखिए हर्षित प्रिंट हो रहा है, हर्षित क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मेरा स्कोर सबसे ज़्यादा था, आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब अगर मुझे अकॉर्डिंग टू एज कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी एज कर देता हूँ 25, और मुझे अकॉर्डिंग टू एज मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एज, इसे क्या होगा, यहाँ पे रोहित प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी में से कैलकुलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू स्कोर कि मैक्सिमम क्या है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ, देखिए तो मैक्सिमम फाइंड करना है आपको स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी में से। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी काम है, देखिए क्या ट्रिकी काम है, यहाँ पे जो स्टूडेंट के अंदर कई सारी की हैं और हर की वैल्यू में अलग से डिक्शनरी है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर है, पर आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर कई सारी की वैल्यू पेयर हैं, और की क्या है, स्टूडेंट का नाम, और वैल्यू क्या है, एक डिक्शनरी। ओके, तो इसमें अकॉर्डिंग टू अगर आपको स्कोर फाइंड करना है मैक्सिमम, तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लैम्डा, अभी मैं मानता हूँ आइटम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आइटम में आपको क्या मिलेगा, आइटम में आपको ये कंप्लीट की वैल्यू पेयर मिलेगा। ओके, अभी आपको करना क्या है, ये जो आइटम आप कैसा सोच सकते हैं, ठीक है, आइटम आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये इसकी की है, ठीक है। अब आप करें क्या, जो आपकी स्टूडेंट्स नाम की डिक्शनरी है उसमें आइटम को एक्सेस कीजिए पहले, मतलब इस की को एक्सेस कीजिए, जो भी आइटम होगी, और उस की में क्या कीजिए, एक्सेस कीजिए आप इस डिक्शनरी को और इसके स्कोर को। अगर आपको ये नहीं क्लियर होया तो कोई बात नहीं, आगे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, अपने जब प्रोग्राम बनाएंगे खुद के, तो आपको और क्लियर होगा। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, तो ये देखिए हर्षित प्रिंट हो रहा है। अगर मैं अपना स्कोर कम करूं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैं अपना स्कोर कर लेता हूँ यहाँ पे 50, अभी स्कोर क्या प्रिंट होना चाहिए, 76, जो किसका है, रोहित का। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। बट अगर मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू एज चेक करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा एज, और यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए क्या, 24 हर्षित, ठीक है, हर्षित प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको इतना समझ आ चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।